अच्छा गाइज, मैं डिगरोड स्टेशन पे आया हूँ कॉकटेल रिसीव करने के लिए। कार्गो आ रहा है और देखें शौक कैसा है। सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर आया हूँ। वैसे मैं कभी पढ़ाई के लिए इतनी सुबह नहीं उठा बचपन में, या फिर कभी जॉब पे जाने के लिए इतना टाइम पे नहीं पहुँचा जितना मैं कार्गो रिसीव करने के लिए पहले पहुँच गया। अच्छा, अब हमारे कॉकटेल जो आ रहे हैं ये कौन से आ रहे हैं? ये पेस्टल फेस एमराल्ड आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत म्यूटेशन है। मैं आपको ज़रा स्टेशन दिखा दूँ। ये स्टेशन है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी, और यहाँ पर जो गाड़ी है ना वो बहुत ही कम देर के लिए रुकती है, तो हमें माल जो है वो फौरी तौर पर निकालना पड़ेगा ताकि ऐसा ना हो कि फिर हमें आगे, अगर यहाँ से निकल गई गाड़ी तो आगे कैंट स्टेशन से रिसीव करना पड़ेगा। अच्छा, पेस्टल फेस एमराल्ड आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि ये जो लोग बोलते हैं ना कि इम्पोर्टेड बर्ड जो है वो सर्वाइव नहीं करता, या डोमेस्टिक बर्ड या पंजाब का बर्ड या शक्कर का बर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। दुनिया मंगवा रही है, लोग पाकिस्तान जर्मनी से पाकिस्तान मंगवा के ब्रीड करवा रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल की ब्रीडिंग भी आ रही है, काम भी चल रहे हैं। तो ये सब बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ का बर्ड यहाँ ब्रीड नहीं करता, यहाँ का वहाँ नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं है। साइबेरिया से बर्ड उड़ के जो है सिंध में आते हैं सर्दियों के अंदर, और फिर जब वापस सर्दी ख़त्म होती है तो चले जाते हैं साइबेरिया। तो ये परिंदे जो हैं वो इस तरह एडजस्ट करते हैं माहौल के हिसाब से। ये कुछ भी नहीं होता कि यार आप कहीं दूसरी जगह से बर्ड मंगवाएंगे तो आपके पास वो बीमार हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ट्रैवलिंग में ये होता है कि ट्रैवलिंग करके जब बर्ड आता है तो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। जाहिर सी बात है 24 घंटे का कुछ खाया पिया नहीं होता उसने, अगर 24 घंटे का सफ़र है तो। अभी बर्ड आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि उनकी हेल्थ कैसी है। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कार्गो को लेके, उसमें बड़ी अच्छी बात ऐड कर दूं कि जब भी आप कभी पंजाब से बर्ड मंगवाएं या कहीं से भी मंगवाएं तो आपने काम करना है कि आपने बाय ट्रेन मंगवाना है, क्योंकि जो ट्रेन से बर्ड आता है ना वो बड़ा सेफली यहाँ पे रीच हो जाता है, मेरा तजुर्बा है। मैं आपसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस एक और शेयर करूँगा, वो ये कि जो कॉकटेल का बिज़नेस है ना, मैं यहाँ पर जो पहुँचा हूँ और जो वेट कर रहा हूँ और जो जलालत मैं उठा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए उठा रहा हूँ कॉकटेल के चक्कर में। और मैंने ना हर बर्ड रखे भी हैं, बेचे भी हैं, ख़रीदे भी हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो कॉकटेल जो बर्ड है ना वो, उसमें बिज़नेस बहुत अच्छा है। दिस इज़ द रीज़न दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग हेयर राइट नाउ। सो कॉकटेल इज़ द ओनली वन। तो कॉकटेल के साथ जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तजुर्बा रहा है। तो अभी भी मैं आप लोगों को बड़ी अच्छी एक एडवाइस कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा काम कॉकटेल का है या आपके कॉकटेल रखने से मुझे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आपने क्या कर लेना है यार, 20 जोड़े रख लेने हैं मेरे कहने पे, 10 जोड़े रख लेने हैं। लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑल ओवर द पाकिस्तान अगर देखा जाए तो कॉकटेल की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है। कॉकटेल जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, डिमांड किया जाता है, और लेकिन उसकी सप्लाई जो है वो उतनी ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है। अब सप्लाई कैसे कम है आप देख लें, मुझे बर्ड चाहिए था कराची में नहीं मिल रहा, अब वो बर्ड कहीं और से आ रहा है। अगर कराची में मिल रहा होता तो मेरा ये खर्चा नहीं बच जाता, मैं अपना यहीं से ले लेता, मेरा कार्गो का खर्चा बचता, उसके बाद मेरी जो ट्रैवलिंग फ़ीस है, जो घर से यहाँ स्टेशन तक आने की जो फ़ीस है, जो मैंने बाइकिया करवाया, फिर यहाँ से वापस जाके बाइकिया करवाएंगे, फिर घर पहुँचेंगे, कार्गो अलग देंगे, तो ये सब पैसे मेरे बच जाते अगर यही चीज़ मुझे कराची में अवेलेबल होती। तो ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास पेस्टल एमराल्ड होता तो मैं आपसे उड़ा लेता भाई, लेकिन आपके पास है ही नहीं। आप हमेशा वो बर्ड रखते हैं जो इतना ज़्यादा हो जाता है, ऑलरेडी इतना ज़्यादा भरा हुआ होता है, वही बर्ड आप रख के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि यार बिक नहीं रहा, तो वो बिकेगा कैसे? वैसी बात है, उसकी फिर कीमत कम में बिकेगा, वो कीमत कम लगेगी, माल ऑलरेडी इतना है। अब कॉकटेल में माल ही नहीं है तो आप लोग जो हैं वो रख ही नहीं रहे अभी तक। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अभी काम कर रहे हैं कॉकटेल के अंदर, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड भी जो है ना एक्सपोर्ट हो रहा है, ये ईरान चला जाता है, डोमेस्टिकली ईरान चला जाता है, हालांकि ईरान इंटरनेशनल कंट्री है, लेकिन उसकी एक्सपोर्ट को हम एक तरह से डोमेस्टिक एक्सपोर्ट ही कंसिडर करते हैं, बिकॉज वो इलीगल एक्सपोर्ट होती है। तो आपने ये काम करना है जितना हो सके भाई, कॉकटेल की म्यूटेशन में आएँ, सेटअप्स लगाएँ, क्योंकि अभी इस वक्त म्यूटेशन कॉकटेल की है ही नहीं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जब बर्ड आएंगे तो आप चेक कीजिएगा। आ गई है, हमारा कार्गो इसी के अंदर है और कार्गो भी रिसीव करेंगे। स्टेशन पे ट्रेन जा रही है, सामने स्टेशन है, लेकिन कार्गो वाला जो डब्बा है वो सबसे लास्ट में होता है, तो वो आई गेस के इसके भी पीछे उतरेगा। तो मैं पहले से यहाँ रेडी खड़ा हूँ और हम वेट कर रहे हैं कि गाड़ी जो है वो रुके, बहुत ही कम देर के लिए रुकेगी, हमें भागना पड़ेगा तेजी से। ये
देखें कितना अच्छा लग रहा है सुबह सुबह के टाइम पे, मज़ा आ रहा है। लेकिन गर्मी बहुत है, गर्मी इतनी शदीद है कराची में कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी ये देखें माशाल्लाह से कार्गो का लास्ट डब्बा आने वाला है, अब हमें भागना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत कम देर के लिए रुकेगी। अब हमें भागना पड़ेगा क्योंकि कार्गो का डब्बा है लास्ट में और टाइम बहुत ही कम है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत थोड़ी देर के लिए रुकती है, तो हमको भागना पड़ेगा बहुत तेज़ तेज़, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी निकल जाए और हमारा कार्गो रह जाए, फिर हमें कैंट स्टेशन से उठाना पड़ेगा, बड़े मसला हो जाएगा। दूर है वो, पत्थर पड़े हुए हैं, चलना मुश्किल हो रहा है। गाइस इतनी ख्वारी कभी किसी और चीज़ के लिए की होती ना, यकीन करें, पढ़ाई के पीछे की होती या फिर अगर किसी ऑफिस में की होती तो आज आपका भाई CEO होता, ये मैं बड़ी गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ। और अभी हम जा रहे हैं, लास्ट डब्बा आ गया, चल गया भाई रास्ते में, और अब हमने दूसरी तरफ उतर जाना है इनके साथ। पेमेंट आपको कर रहे हैं भाई, ये आप चेक करें गाइस, ये बर्ड है माशाल्लाह से, 500 आपने देने हैं मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आपका नाम तो बता दें, वीडियो में सब आपको देखेंगे, लेकिन वीडियो शीडियो में ये लगाना है यार। नहीं लगाना, नहीं, चलो आपका फेस ब्लर कर देंगे, ठीक है, काट दें, ठीक काट दें यार। मैं आपको स्टेशन पे दिखा नहीं सका क्योंकि गाड़ी आई हुई थी और बड़ा हड़ावड़ी मची हुई थी सही वाली। अभी आप देख लें माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने खूबसूरत बर्ड हैं। लिफ्ट चल रही है, अभी हम लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जाके हम इनको केज में ट्रांसफर करेंगे। बहुत ही जबरदस्त बर्ड हैं ये, देखें आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये हैं बेसिकली पेस्टल फेस एमराल्ड का पेयर है पूरा। अब पेस्टल फेस जो है मेल में ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, फीमेल में बहुत लाइट होता है, पता नहीं चलता, फीमेल क्योंकि डार्क कलर में, मेल देखें लाइट कलर में, तो मेल का चीक पैच अच्छा नजर आ रहा है, तो इसको लेके चलते हैं। शुक्रिया यार बहुत बहुत। अब इसको हम डालेंगे केज के अंदर, घर जा रहे हैं, लॉक खोलना पड़ेगा भाई। ये देखें गाइस प्यारे प्यारे बर्ड आ गए हमारे माशाल्लाह से, क्या चीज है यार, आप कलर क्वालिटी चेक करें, आप फिनिशिंग चेक करें बर्ड की। और ये देख लें, हम इस केज में डालेंगे इसको, ये हमारे कुछ कॉकटेल एग्जीबिशन कॉकटेल खुले छोड़े हैं हमने, एग्जीबिशन को इसलिए खुला छोड़ा ताकि साइज निकले इनका, साइज निकालने के लिए एग्जीबिशन को हमने खुले छोड़े हैं। ये देख लें आप माशाल्लाह से बैठा हुआ है, और बाकी कुछ बाहर गए हैं, हम इस वाले केज में डालेंगे, ये वाले केज में, तो ये हम खोल रहे हैं ऊपर और इसको हम पकड़ रहे हैं यहाँ से, यहाँ से भी खोल दिया इसको, यहाँ से भी खोल दिया इसको, और अब ये बर्ड जाएगा पिंजरे के अंदर, साइड से हम खोल देंगे इसको, और ये बर्ड वगैरह जो है, जाओ भाई केज खोल दिया, जाओ भाई जाओ 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 जाओ। लेकिन गाइस बर्ड निकल गए दोनों माशाल्लाह से, ये देख लें आप, यहाँ से रोशनी कम है, उसको पहले यहाँ रख लें, फिर मैं आपको बताऊँ, ये चेक करें गाइस, ये बर्ड है, क्या क्वालिटी है, बेहतरीन क्वालिटी। सो गाइस अगर आपको भी अच्छे कॉकटेल्स चाहिए तो आप ऑर्डर पर हमसे मंगवा सकते हैं।